हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिल्पी और फूड्स एंड फ्लेवर्स इन हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे तीखा मज़ेदार और बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड तवा पुलाव। जैसा कि नाम बताता है, हम इस पुलाव को तवे पर बनाएंगे और हम इसको बनाने में पाव भाजी मसाले का और पाव भाजी वाली सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे, तो आप इस पुलाव को पाव भाजी पुलाव भी कह सकते हैं। तो आइए बनाते हैं चटपटा मज़ेदार तवा पुलाव। तवा पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तवे को मध्यम आँच पर गर्म कर लिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। इसके साथ ही हम इसमें 3 बड़े चम्मच बटर या मक्खन के डालेंगे और बटर को थोड़ी सी देर पिघलने देंगे। जैसे ही बटर थोड़ा सा मेल्ट होने लगेगा, मैं इसमें एक छोटा चाय का चम्मच जीरे का डालूंगी और इसको अच्छे से मिला लूंगी। अब मैं इसमें 1 कप कटा हुआ प्याज डालूंगी और इसको मिलाऊंगी और इसको पैन पर फैला दूंगी जिससे कि एक सार पक सके। कुछ मिनटों के बाद मैं इसको चलाऊंगी और इसमें 1/2 कप महीन कटी बीन्स और 1/2 कप महीन कटी हुई शिमला मिर्च डालूंगी। इसको अच्छे से मिलाएंगे और इनको अधपका कर लेंगे। कुछ समय बाद हम इसमें नमक डालेंगे। ध्यान रहे, अगर आप सॉल्टेड बटर का यूज़ कर रहे हैं तो नमक थोड़ा कम डालें। अब हम इन सब्जियों को और प्याज को हल्का सुनहरा होने तक पकने देंगे। अब आप देख सकते हैं कि प्याज हल्का सुनहरा हो चुका है। हम इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और प्याज के तेल छोड़ने तक पकने देंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि प्याज सुनहरी हो गई है और तेल छोड़ने लगी है। हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी का डालेंगे और मिलाएंगे। अब हम इसमें 2 कप महीन कटे टमाटर डालेंगे और सभी सब्जियों को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इस मिक्सर को ढकेंगे और इसको 6 से 8 मिनट तक या जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए तब तक पकने देंगे। हम बीच बीच में सब्जियों को चलाते रहेंगे जिससे कि वे जले नहीं। अब करीब 8 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि टमाटर एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। और अब हम इसमें 2 कटी हरी मिर्ची, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 3 से 4 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला डालेंगे और इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे। यह पाव भाजी मसाला आपको किसी भी इंडियन मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। और आइए अब हम और सब्जियां डालेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर आलू, गाजर और मटर को काट कर पानी में 1/2 पकने तक उबाल लिया है। अब इनको प्याज और टमाटर के साथ डालेंगे, सभी को अच्छे से मिलाएंगे और ढककर इन सब्जियों को कुछ मिनट तक पकने देंगे। यह मिक्सचर लगभग पाव भाजी जैसा ही है, बस हमें यहाँ पे सब्जियों को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। हम कुछ समय के बाद इन सब्जियों को अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ पर ध्यान रहे कि सब्जियाँ बहुत ज़्यादा ना गली हों, नहीं तो वह खाने में अच्छी नहीं लगेंगी। और अब हम इसमें चावल मिलाएंगे। यहाँ मैंने लगभग 3 कप उबले हुए बासमती चावलों का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर ध्यान रखिए कि चावल ठंडे हों और बहुत ज़्यादा गले ना हों। इसके साथ ही हम इसमें 3 बड़े चम्मच महीन कटे धनिया, 2 से 3 छोटे चम्मच नींबू का रस डालेंगे। क्योंकि हम पाव भाजी पुलाव बना रहे हैं, इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा बटर भी डालेंगे। और अब हम इन सबको हल्के हाथों से मिला लेंगे। तीखा मज़ेदार तवा पुलाव बनकर तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर शेयर करें। अगली बार आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।